फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट दृष्टि एंड यू आर वॉचिंग लॉ ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लॉ ज्ञान की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम सारा एविडेंस कवर करने वाले हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें फॉलो करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कर देना है बेयर एक्ट निकालना है एंड नोट डाउन करते रहिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, अब इससे पहले सारे प्रोविजंस कवर हो चुके हैं, तो वो आप वीडियो देखते रहिए एंड लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन 45 को हमें स्टार्ट करना है। अब सेक्शन 45 क्या बोलता है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जो भी ओपिनियन होगी एक्सपर्ट्स की, उसको किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि हेडिंग है इस चैप्टर की ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी थर्ड पर्सन की अगर हम ओपिनियन ले रहे हैं तो किस तरीके से रेलेवेंट होगी, ये इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स बताया। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो आप बोलेंगे कि कौन होते हैं एक्सपर्ट्स, हमें तो नहीं मालूम। तो एक्सपर्ट्स सर्टेन फील्ड्स में होंगे, जैसे फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ एक मैटर है, या फिर साइंस, या आर्ट, हैंडराइटिंग, या फिंगर इम्प्रेशन। तो ये पांच कैटेगरीज हैं जहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा हमारा ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, जो भी इन चीज़ों में, इन पाँच चीज़ों में स्किल्ड पर्सन होगा, जो भी एक्सपर्ट होगा उसे ही हम लेंगे और उसे ही हम बोलेंगे एक्सपर्ट। मतलब स्किल्ड पर्सन को हम बेसिकली बोलेंगे एक्सपर्ट। तो ओपिनियन ले रहे हैं हम, कोर्ट ओपिनियन ले रही है किसी भी एक्सपर्ट की जो इन पांच मैटर से रिलेट करता है, राइट। अब एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर लिखा होता है इंडियन लॉ, और हम सोचते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट तो इंडियन लॉ है, तो हमारा फॉरन से क्या मतलब। तो यहाँ पर फॉरेन लॉ लिखा है, इसे ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स से हम लोग गलत कर देते हैं। इसीलिए लेकर आए हैं हम आपके लिए सीरीज़ जिसमें आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर होंगे एंड आपको ये हमेशा ध्यान रहेंगे, राइट। इसके अलावा 45A नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे रेलेवेंट होगा वो हम जानते हैं। तो इसमें दे रखा है कि अगर कुछ भी ट्रांसमिट किया गया है या कुछ भी स्टोर किया गया है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 45A, राइट। इसके अलावा ये रेलेवेंट और हो जाएगा कहाँ पर, 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीलिम्स से पूछा जाता है, राइट। उसके अलावा सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करते हैं फैक्ट्स, जो ऐसे तथ्य, मैंने आपको सेक्शन 3 में बताया था कि कुछ फैक्ट्स जो है होते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो ओपिनियन बनाते हैं, कोर्ट की मदद करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक लेक्स फोरी एक्ट है, कोर्ट की मदद करता है। तो फैक्ट्स जो ओपिनियन फॉर्म करने में मदद करते हैं, एड करते हैं कोर्ट की, वही रेलेवेंट हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली दे रखा है रेलेवेंट कौन कौन से होंगे, जो सपोर्ट करते हैं या कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हैं। तो जो भी इसमें चीज़ें होंगी, अगर वो सपोर्ट कर रही हैं, इनकंसिस्टेंट हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो जाएंगी अंडर सेक्शन 46। अब इसमें कई बार पूछा जाता है कि फैक्ट्स फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, मतलब हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट्स अपने आप ही दर्शाते हों, अपने आप ही बताते हों, वो रेलेवेंट हो जाने वाले हैं। देन 46 तक कवर हो चुका है। 47 में बोला गया हैंड राइटिंग के बारे में, अगर हैंड राइटिंग के बारे में हमें पहचान करवानी हो तो किस तरीके से की जाएगी, 47 में वही बताने की कोशिश की गई है। इसमें बेसिकली बोला है कि हैंड राइटिंग कब रेलेवेंट हो जाएगी, तो हैंड राइटिंग अगर किसी डॉक्यूमेंट में है, किसी दस्तावेज में है, बताइएगा कि दस्तावेज मैंने आपको कहाँ बताया था, डॉक्यूमेंट कहाँ बताया था। तो ये अगर हैंड राइटिंग में है, ये अगर रिटन में है, या साइन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोर्ट को इन्फर करने में प्रॉब्लम आ रही है कि किसका है बेसिकली, तो ये एक्सपर्ट्स को बुला सकता है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स वर्ड मेंशन नहीं है, जो आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्ड मेंशन है अक्वेंटेड,
मतलब जो उसकी नॉलेज रखता है, तो जो भी ऐसी हैंड राइटिंग की नॉलेज रखता है, जो भी उससे अक्वेंटेड है, जो भी उससे पहचान में है, वो हो जाता है हमारा रेलेवेंट अंडर सेक्शन 47। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दे रखा है कि जो ये भी एक्वेंटेड पर्सन है, जो हम एक्सपर्ट मान रहे हैं, क्योंकि हम थर्ड विटनेस की बात कर रहे हैं, जो हमारा हेडिंग है थर्ड पर्सन वाला का, तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो अक्वेंटेड पर्सन है, मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उसमें उसने या तो देखा हो, या तो सीन किया हो, खुद देखा हो, या फिर उसके सामने रिटन किया हो किसी अथॉरिटी में वो हो और उसके सामने लिखा गया हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि हैबिचुअल, वो हैबिचुअल हो, उसको मतलब पता हो कि किसने लिखा है या किसने साइन किया है, तब हो जाएगा ये रेलेवेंट अंडर सेक्शन 47, राइट। अब हम 47A की तरफ बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 45A, वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे 47A की। तो ओपिनियन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पर हमारे रेलेवेंट हो जाएंगे, और ये हम कैसे प्रूफ कराएंगे, किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। तो किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो हमारी इशू करेगी सच सिग्नेचर वुड बी रेलेवेंट, राइट। उसके अलावा 48 में दे रखा है राइट और कस्टम, जो भी हमारी प्रथा होती हैं वो लंबे टाइम से जुड़ी होती हैं। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। तो कस्टम को पहचानने के लिए उसका जनरल यूसेज देखा जाएगा, मतलब जनरल जो भी इसकी प्रेवलेंस है वो देखी जाएगी। तो सामान्य ज्ञान में अगर देखा जाएगा कि किस तरीके से प्रथा चली आ रही है, किस तरीके से कितने टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 48, राइट। इसके अलावा 49 में देगा यूसेज या टेनेट। अब यूसेज या टेनेट क्या होता है, ये इसका छोटा भाई होता है बेसिकली, ये भी एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो इसमें बेसिकली दे रखा है कोई भी ऐसी जो भी हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी में या किसी फैमिली में कोई भी थोड़ी बहुत जो प्रथा चली आ रही है, जो भी एक नॉर्म्स चले आ रहे हैं, यूसेज चले आ रहे हैं, वो रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 48। इसके अलावा 49 देन 50 में दे रखा है रिलेशनशिप। अगर किसी की रिलेशनशिप हमें डिटेक्ट करनी है कि किस तरीके से उनकी रिलेशनशिप है, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंडक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो कंडक्ट से उसे पहचान लेंगे, जैसे कोई फादर एंड सन है तो हम कैसे पहचानेंगे, जो भी वो कंडक्ट करते हैं, जो भी वो बिहेवियर करते हैं, तो उससे वो रेलेवेंट होने वाला है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि क्या क्या नहीं इसमें इंक्लूड होता। तो इसमें नहीं इंक्लूड होता इंडियन डाइवोर्स एक्ट, राइट। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा 494 सेक्शन 495 497 एंड 498 नहीं इंक्लूड होता, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 496 नहीं दिया गया है इंडियन पीनल कोड का, तो ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। अगर हम किसी भी पर्सन के ग्राउंड्स जानना चाहते हैं, ओपिनियन डेवलप करना चाहते हैं कि क्या आधार हैं, तो किसी भी लिविंग पर्सन के हम डेवलप कर सकते हैं ओपिनियन जिस पर वो बेस्ड है, राइट। तो ये हमने अभी तक कवर किया, जिसमें हमने कवर किया सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 51 तक, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड दोबारा एक बार, अगर एक पॉइंट में अगर एक बार रिविजन भी बहुत करना ज़रूरी है, तो रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, राइट। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो 45 में क्या था, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा था, जो 5 मैटर्स में डेवलप कर रहे थे अपनी अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट मतलब इनको बुला रहा था। तो इसमें क्या है, फॉरेन लॉ और साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 45A में क्या बोला, एग्जामिनर को बुलाया गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर को बुलाया गया, जिसने डिटेक्ट किया किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और 46 में क्या बोला गया, फैक्ट्स, जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा 47 में क्या बोला गया कि हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। 47A में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एंड 48 में क्या बोला गया, कस्टम। 49 में क्या बोला गया, यूसेज। 50 में क्या बोला गया, रिलेशनशिप हमें डिटेक्ट करनी है। या फिर 51 में क्या बोला गया, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, तो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, तो इस गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बिहार APO के लिए, MP जुडिशरी के लिए या बिहार मेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर है 7017254545। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड सर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बताइएगा।